नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको टाइल्स और मार्बल के काम के बारे में जानकारी दी थी कि आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है तो आपको अपने प्लॉट में टाइल्स और मार्बल का काम करना है तो उसमें सेटिंग अपने वास्तु के अनुसार कैसे करनी चाहिए। ऐसे ही आज फिर मैं आपको नॉर्थ फेसिंग टाइल्स और मार्बल का सेटअप वास्तु के अनुसार कैसे करना चाहिए। आपका प्लॉट लंबाई और चौड़ाई में बहुत बड़ा है और यहीं पर आप अपना गोडाउन भी बनाना चाहते हैं और साथ में टाइल्स का शोरूम भी बनाना चाहते हैं और मार्बल की डिस्प्ले भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सेटअप कैसे करना चाहिए। क्योंकि आप जो टाइल्स और मार्बल का काम कर रहे हैं, मार्बल हमेशा ओपन एरिया में ही रखा जाता है और आप फ्रंट के भाग में अपनी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वास्तु के अनुसार जैसे आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है उसमें आप सिर्फ फ्रंट के भाग में यानी आगे के भाग में अपना शोरूम बनाते हैं तो वास्तु के अनुसार ऐसा शोरूम अच्छा नहीं चलेगा, उसमें परेशानी हमेशा बनी रहेगी। ऐसे में आपको वास्तु के अनुसार किस प्रकार आपको टाइल्स का शोरूम और स्टोर बनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है वो प्लॉट आपका रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। बाहर का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा होना चाहिए। मेन गेट आपने कहाँ बनाना है, क्योंकि आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में मेन गेट आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ तक यानी नॉर्थ सेंटर तक जितना बड़ा आपको गेट चाहिए उतना बड़ा गेट आप बना सकते हैं। क्योंकि आपके प्लॉट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है तो आपका गेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में बन जाएगा। ध्यान रखना है जो मेन गेट आपने नॉर्थ ईस्ट में लगाना है वो मेन गेट आपका वजन में हल्का होना चाहिए। बहुत सारी जगह देखने में आता है रोड की चौड़ाई कम होने के कारण मेन गेट को अंदर की ओर करके लगा लिया जाता है, यानी मेन गेट इस प्रकार से अंदर की ओर करके लगा दिया जाता है। ऐसा मेन गेट वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत होता है, कभी भी नॉर्थ ईस्ट का भाग काम नहीं करना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि आपकी अपनी गाड़ी बिल्डिंग के अंदर आ जाए तो उसके लिए आप अपने गेट का साइज़ भले ही बड़ा कर लें लेकिन कभी भी मेन गेट को अंदर की ओर करके नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्ट के भाग में मेन गेट अंदर की ओर करके लगा दिया जाता है तो वहाँ पर वर्किंग अच्छी नहीं आती। ऐसे में मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अपना मेन गेट भले ही बड़े साइज़ का लगाएं ताकि आपकी गाड़ी आराम से अंदर आ जाए, लेकिन कभी भी मेन गेट को अंदर की ओर करके ना लगाएं। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपका जो प्लॉट है, आपकी जो बिल्डिंग है वो रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सबमर्सिबल के बारे में, आपने अपने यहाँ पर सबमर्सिबल कहाँ लगाना है। यदि आप सबमर्सिबल लगाते हैं तो सबमर्सिबल आप ईस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर सबमर्सिबल लगाएं या नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर आप यहाँ पर सबमर्सिबल लगाएं। ध्यान रखें जब सबमर्सिबल लगाएं नॉर्थ वॉल पर लगाएं तो मेन गेट के ठीक सामने सबमर्सिबल नहीं आना चाहिए, यानी गेट का जो पोर्शन है वो क्रॉस करके नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही आपने सबमर्सिबल को लगाना है। यदि आप सबमर्सिबल नहीं लगाते, आप अपने यहाँ पर पानी का टैंक बनाना चाहते हैं तो पानी का टैंक भी आप नॉर्थ के भाग में या ईस्ट के भाग में नॉर्थ ईस्ट की ओर पानी का टैंक बना सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपको बनानी है तो पानी का टैंक भी और सबमर्सिबल भी दोनों आप नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईस्ट की दीवार की तरफ और नॉर्थ में नॉर्थ की दीवार की तरफ बना सकते हैं। आप अपने यहाँ पर टाइल का शोरूम बनाने जा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका शोरूम फ्रंट के भाग में यानी आगे के भाग में बने, तो आपने जो शोरूम बनाना है वो शोरूम आपने वेस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ वॉल से साउथ वॉल तक कंप्लीट बनाना है। इसमें आपका बैक साइड में साउथ वेस्ट के भाग में आपकी टाइल्स की स्टोरेज हो जाएगी यानी गोडाउन बन जाएगा और गोडाउन का जो रास्ता है एक गेट नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा और एक गेट ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाएगा। अब साउथ वेस्ट के भाग में जो आपका गोडाउन बनेगा उसके अंदर जो स्टोरेज करनी है आपने साउथ की दीवार पर गोडाउन के साउथ ईस्ट कॉर्नर से
साउथ वेस्ट कॉर्नर तक, साउथ की दीवार पर फर्श से लेके जितनी मैक्सिमम हाइट आप ले जा सकते हैं आपने मैक्सिमम स्टोरेज यहाँ पर करनी है। और ऐसे ही साउथ वेस्ट में वेस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ वेस्ट तक, यानी जो आपका गोडाउन है गोडाउन के नॉर्थ वेस्ट कोने तक आपने यहाँ पर भी माल फर्श से लेके छत तक पूरी स्टोरेज करनी है। उसके बाद आप जितना स्पेस आपको चाहिए उसके हिसाब से आप अपनी स्टोरेज टाइल्स की करें, क्योंकि माल लाने के लिए माल ले जाने के लिए जो पैसेज बीच में आपको चाहिए वो पैसेज आप जरूर रखें। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, जो आपकी नॉर्थ की वॉल है इस वॉल के साथ आपने टाइल्स के बॉक्स नहीं लगाने हैं। आपके यहाँ मार्बल का भी काम है, आपने अपने यहाँ पर जो मार्बल की स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आपने ओपन एरिए के यानी साउथ ईस्ट से हॉल तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक ये भाग आपका कंप्लीट ओपन है। यहाँ पर आपने जो मार्बल की स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आपने साउथ की दीवार के साथ से शुरू करके इस प्रकार से आपने स्टोरेज करनी है। और जब पीछे वाली लाइन फुल हो जाती है उसके बाद आप आगे मार्बल की थपियां लगाते चले जाएंगे। जितना स्पेस आपको मार्बल निकालने के लिए चाहिए उतना स्पेस छोड़कर और इस प्रकार से आप मार्बल की थपियां लगाएं। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो आपके प्लॉट का सेंटर का भाग है यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक और साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक जो सेंटर पॉइंट आता है इस पॉइंट पर आपने मार्बल की थपियां नहीं लगानी है। ये एरिया आपने लगभग कम से कम 6 फीट बाई 6 फीट का एरिया आपने ओपन रखना है, खाली रखना है, यहाँ पर कोई भी मार्बल की थप्पी नहीं लगेगी। इसी के साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपकी ईस्ट की दीवार है साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक ईस्ट की दीवार के साथ चिपका कर आपने मार्बल की थप्पियाँ नहीं लगानी है। ईस्ट की दीवार के साथ आपने स्पेस जरूर रखना है। इस प्रकार आप एक एक लाइन, दो दो लाइन, जितनी भी लाइन चाहिए उतनी आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है जो आपका केंद्र बनेगा, जो सेंटर बनेगा उसका एरिया आपने खाली रखना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा शोरूम के बारे में, शोरूम का सेटअप आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका शोरूम है, शोरूम में आपने शटर जो लगाना है वो शटर आपका नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक कंप्लीट आपका शटर लगेगा। इसमें आपको ग्लास का डोर कहाँ लगाना है यानी जो आने का सिस्टम है वो आपने कहाँ से रखना है। शोरूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को थोड़ा सा छोड़ के ये मान लीजिए ये आपका शोरूम का फ्रंट का भाग 20 फीट का है, तो ऐसे में आपने लगभग 3 फीट का एरिया छोड़कर उसके बाद आपने अपना अंदर आने का रास्ता बनाना है, डोर बनाना है, बाकी का सारा एरिया आपका ग्लास का फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपके फ्रंट के भाग में आप अपनी टाइल्स की डिस्प्ले करें, उसके साथ जो आपका वेस्ट का भाग है वेस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक यहाँ पर आपकी कैसेटी लग जाएंगी, क्योंकि कैसेटी वजन में भारी होती है और जैसे बुक्स के पन्ने पलटे जाते हैं ऐसे ही वो पन्ने कैसेटी के पलटे जाते हैं। कैसेटी पर जो टाइल्स की डिस्प्ले होती है वो एक पल्ले पर आगे और पीछे दोनों तरफ टाइल्स की डिस्प्ले होती है और वो हमेशा बहुत ही भारी होती है। वो आप शोरूम के साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक वेस्ट की दीवार के साथ बनाएं और ऐसे ही आपने शोरूम के साउथ वॉल के साथ भी कैसेटी बनानी है।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके यहाँ टाइल्स के सैंपल दिखाए जाते हैं, जो डिस्प्ले की जाती है, वो एक पेपर बोर्ड पर दिखाई जाती हैं, वो आपने कैसे बनाने हैं। वो आपने ईस्ट से वेस्ट की ओर लंबे बनाने हैं। नीचे के भाग में आपकी स्टोरेज हो जाएगी और बैक साइड में और इसके फ्रंट के साइड में आपकी ऊपर के भाग में टाइल्स की डिस्प्ले हो जाएगी। यानी जो आपने सैंपल दिखाने हैं, वो सैंपल नीचे के भाग से, यानी जो नीचे का भाग है उसके अंदर आपके सैंपल की स्टोरेज हो जाएगी। वहाँ से सैंपल निकालेंगे और जो ऊपर का भाग है, जो पेपर का भाग है, उस पेपर के भाग पर वो सैंपल के डिज़ाइन दिखाए जाएंगे। ऐसे ही आपको डिस्प्ले के लिए एक रैक चाहिए एक बनाए, दो चाहिए दो बनाए और तीन चाहिए तीन बनाए। जितने आपके पास स्पेस है उस स्पेस के हिसाब से आप अपने टाइल्स की डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि काउंटर आपने कहाँ लगाना है। ओनर की जो सीटिंग है, ओनर की सीटिंग फ्रंट के भाग में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनानी है। ऑनर यहाँ पर बैठेगा और जो कस्टमर है वो कस्टमर यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। कैश बॉक्स ऑनर के राइट हैंड की ओर बनानी है। विजिटर्स के लिए जो सोफ़ा लगाना है या टेबल लगानी है, वो टेबल आपकी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आपके विजिटर बैठ जाएंगे। जिनको जो भी सैंपल दिखाने हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका शोरूम है, शोरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके ईस्ट सेंटर तक के भाग में, यहाँ पर भी आप अपनी टाइल्स की डिस्प्ले ज़रूर बनाएं। ध्यान रखना है, जब आप ईस्ट की दीवार के साथ टाइल्स की डिस्प्ले बनाएं तो उसमें जो नीचे का भाग होता है उसके अंदर स्टोरेज बनाई जाती है। आपने यहाँ पर स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं बनानी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो आपका शोरूम है, शोरूम के ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर एक गेट दो गेट, जितने भी आपको मार्बल की स्टोरेज वाले एरिया में आने के लिए चाहिए वो गेट आप यहाँ पर बना सकते हैं। ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर आपने कोई भी गेट नहीं बनाना है। अब मैं आपको मंदिर और पीने के पानी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मंदिर आपने कहाँ लगाना है? मंदिर आपने ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर आप अपना मंदिर बनाएं। और पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आपका नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ की दीवार के साथ या ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर आपका पीने का पानी आ जाएगा। जो आपने वाटर डिस्पेंसर रखना है वो आपका ईस्ट की दीवार के साथ या नॉर्थ की दीवार के साथ आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका अपना मेन गेट और शोरूम का जो शटर है उसके ऊपर जो आपने कलर करना है वो स्काई ब्लू कलर करना है। आपको अपने यहाँ पर फ्रंट के भाग में जो बोर्ड लगाना है, जो होर्डिंग लगानी है, उसके जो कलर होने चाहिए वो कलर वाइट कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, सिल्वर कलर और ब्लैक कलर, ये कलर आप अपने यहाँ पर बोर्ड में अपनी होर्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपके यहाँ एक टॉयलेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपने जो टॉयलेट बनानी है वो टॉयलेट आप नॉर्थ की दीवार के साथ बनाएं और जो आपका शोरूम है उस शोरूम की दीवार को ना छूएं। यहाँ पर आप अपनी एक टॉयलेट बना सकते हैं। ध्यान रखना है, टॉयलेट का जो फर्श का लेवल है, जो आपका ओपन का फर्श का लेवल है, उस लेवल के बराबर ही होना चाहिए या हल्का सा नीचा होना चाहिए। किसी भी कीमत पर आपके यहाँ जो टॉयलेट का फर्श है वो ऊंचा नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार जो जानकारी मैंने आपको दी है, आपको लगता है कि ये जानकारी अच्छी है, तो आप मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।